दोस्तों, अगर आप भी जियो का सिम कार्ड यूज करते हो और आपको लगता है कि आपका इंटरनेट स्पीड धीमा है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी हद तक आप अपना इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल कटोरी। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जो कि APN का हम सेटिंग करते हैं तो APN का सेटिंग करने से क्या हमारा जो इंटरनेट है वो फास्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, अगर आपका इंटरनेट स्लो चलता होगा और आप APN का सही से सेटिंग कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपना इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए आपको हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको करना क्या है, सेटिंग में चले जाना है। तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, सिम और नेटवर्क का ऑप्शन आपके फ़ोन में मिलेगा। हमारे फ़ोन में नेटवर्क और इंटरनेट लिख करके आ रहा है, तो इसी पर हमें क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अपना जियो वाले सिम पर हम सेलेक्ट करके क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, सीधे हम सबसे नीचे आएँगे और नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेस पॉइंट नेम। तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब हमें यहाँ पर बिल्कुल वही काम करना है, APN का सेटिंग करना है, जो कि अच्छा APN जो कि आप सबके लिए मैं ढूंढ के लाया हूँ आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक इंक्रीज करके आपको देगा। तो चलिए आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है आपके फ़ोन में नीचे की साइड हो, तो आप प्लस का आइकन खोज लीजिएगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। उसके बाद दोस्तों, ऊपर नेम लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, नेम पर क्लिक करना है। नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है जियो अल्फा नेट। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं जियो अल्फा नेट। कैसे लिखना है आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और उसी प्रकार सेम टू सेम आपको लिखना है, ठीक ना? तो यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं जियो अल्फा नेट। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया जियो अल्फा नेट। तो आपको इसी प्रकार लिखना है और उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करने के बाद दोस्तों, आपको सीधे उसके नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, APN लिखा होगा, तो आपको APN पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है जियो मैक्स बूट नेट। तो कैसे लिखना है यहाँ पर देख लीजिए, जो अक्षर हम यहाँ पर बड़ा लेटर में लगा रहे हैं उसको बड़ा लेटर में लिखना है और जो अक्षर हम छोटा लेटर में लगा रहे हैं आपको उसको छोटा अक्षर में लगाना है, ठीक ना? तो यहाँ पर चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है जियो मैक्स बूट नेट, ठीक? तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जियो मैक्स बूट नेट। इसको लिख करके आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों, प्रॉक्सी पोर्ट यूजर नेम में आपको कुछ भी नहीं करना है और आप नीचे देखेंगे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आपको सीधे सर्वर पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्वर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है www.jioin। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं www.jio, यहाँ पर उसके बाद में आपको इन लास्ट में लगाना है, तो यहाँ पर है बड़ा लेटर में इन लिख देना है, ठीक ना? तो यहाँ पर दोस्तों हो गया www.jio.in। उसके बाद दोस्तों, इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे आना है, MSCC में कुछ नहीं करना, MES प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना, MES पोर्ट में कुछ नहीं करना। दोस्तों, आपको सीधे नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेशन टाइप। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे वाला ऑप्शन पेप और चेप पर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा APN टाइप। तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट जियो 4G नेट। तो चलिए यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर हम आपको लिख करके दिखाते हैं और आपको इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है, ठीक ना? तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिफ़ॉल्ट जियो 4G नेट। आप स्क्रीन पर गौर से देखिएगा, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से आपको लिख करके ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको उसके नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा APN प्रोटोकॉल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों, आपको IPv4 IPv6 पर क्लिक कर देना है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन, ठीक? उसके बाद दोस्तों, आपको क्लिक करना है APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर। दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर IPv4 IPv6 पर आपको सबसे नीचे वाले पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों आपका जो कि महत्वपूर्ण सेटिंग एक आ जाता है बी एरर का। तो दोस्तों आपको बी एरर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको दोस्तों LTE पर सिलेक्ट कर देना है। LTE पर क्लिक करेंगे और ऊपर वाले पर से हटा देना है आपको, और यहाँ पर आपको GPRS पर सिलेक्ट कर देना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर थ्री बिंदी दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद में दोस्तों आपका जो कि एक जो कि APN अच्छा नया वाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला APN सिलेक्ट है इसको आपको हटा देना है और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे फ़ोन में डायरेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला ये APN है इसको हटाएंगे, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, यहाँ थ्री बिंदी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट APN पर क्लिक कर देते हैं। अब वो हमारा APN हट गया है और ये APN आ गया है। अब हमें क्या करना है, अपने मोबाइल को रिबूट करना है, रिबूट करके चालू कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जब भी हम अपना इंटरनेट खोलेंगे तो हमारा जो इंटरनेट स्पीड होगा काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी अपने जियो सिम कार्ड का इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।